गाइस अभी हैं हम आगरा में, जो कि ये शाहजहां का राजधानी बोला जाता है। उस टाइम ये आना पड़ा है ईदगाह, यहाँ से ईदगाह पे बस स्टैंड है, यहाँ से अब हमें मिलेगी फतेहपुर सीकरी के लिए। यहाँ पे देखा तो ये 16 नंबर बस है जो कि फतेहपुर सीकरी जाएगी, ईदगाह से मिलेगी। अभी चलिए इस पर चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी हैं हम आगरा में, जो कि ये शाहजहां का राजधानी बोला जाता है। उस टाइम ये राजधानी हुआ करता था। तो अभी हम आपको पूरा आगरा टूर कराएंगे। तो अभी हम यहाँ से पहले सबसे पहले चलते हैं फतेहपुर सीकरी यहाँ से, उसके बाद वहाँ से रिटर्न आएंगे, फिर आगरा की पूरी टूर कराएंगे आपको। और हमारे साथ में ये देख सकते हैं, हमारे साथ में है गुड्डू भाई और इनका चैनल का नाम है गुड्डू कूल ब्लॉग। तो अभी इनके साथ हम चलते हैं फतेहपुर सीकरी और आप लोगों से वहाँ पर मिलते हैं। देख सकते हैं ये अभी हमें आगरा में। तो चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ से बस से और फिर आपको पूरा बताते हैं कैसे जाते हैं फतेहपुर सीकरी, पूरा आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये है, ये काफ़ी प्यारा बनाया गया है आगरा का। ये देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये देख सामने ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और इसका व्यू देखिए एक बार। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन दिख रहा है। और यहाँ से आपको ताजमहल जाने के लिए काफ़ी सारा टैक्सी कैब ऑटो सारी मिलेंगी और यहीं से मिलेगी, बस भी मिलेगी यहाँ से। तो अभी हम चलते हैं, पता करते हैं कि हमें फतेहपुर सीकरी जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी, फिर आपको अब आगे बताते हैं। अभी हम लोग स्टेशन से आए हैं और ऑटो लेके ई रिक्शा लेके आना पड़ा है ईदगाह। यहाँ से ईदगाह पे बस स्टैंड है, यहाँ से अब हमें मिलेगी फतेहपुर सीकरी के लिए बस। ये देख सकते ये है बस स्टैंड, सामने बस लगी। अभी देखते हैं, पता करते हैं कौन सी बस जा रही है। यहाँ से आप डायरेक्ट फतेहपुर सीकरी जा सकते हैं। अभी देखते हैं कितना रुपये क्या लगता है, कौन सी बस जाती है, आपको बताते हैं। यहाँ पे देखा तो ये 16 नंबर बस है जो कि फतेहपुर सीकरी जाएगी, ईदगाह से मिलेगी। अभी चलिए इस पर चलते हैं। अभी हम लोग बैठ गए बस के अंदर और चलना है। बता दें आपको यहाँ का टिकट लगा है 60 रुपये, बहुत कम। हम लोग ने ऐसे कैब बात किया था कैब के लिए, तो कैब वाले 700 रुपये ले रहा था और ऑटो वाले 500 को 600 ही मांग रहे थे। तो आपको रिकमेंड करें कि आप लोग बस ले जाए, बस से काफ़ी सस्ता है और टाइम भी ज़्यादा है, 33 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है और बाकी आपको बता दें कितना टाइम लगता है। और जैसे लगते हैं तो फिर आगे आपको बता रहे हैं। गाइस जब हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी, ये पीछे देख सकते हैं ये किला है और ये बस स्टैंड है, इसी बस से आए हम लोग। और यहाँ पे आती है 16 नंबर बस जो कि आपको मिलती है आगरा से ईदगाह बस स्टेशन है, वहाँ से यहाँ के लिए आती है डायरेक्ट। तो काफ़ी ये अच्छा रहा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बस से ही सबसे अच्छा है। और इसे आने में 1 घंटा 10 मिनट पूरा लगा है, 1 घंटा 10 मिनट, और जल्दी पहुँचा दिया, सीट भी मिल गया था। तो काफ़ी अच्छा है, जैसे कैब मांग रहे थे जितना ज़्यादा, और ज़्यादा दूर नहीं है, 33 किलोमीटर है। यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरे ये मुझे किला दिख रहा है, ये बस है, ये पूरा बस स्टॉप है और ये बस स्टैंड है। यहाँ से आप टिकट काउंटर और यहाँ से काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। और ये सामने देखेंगे पूरा ये मार्केट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे दोस्त है भाई गुड्डू भाई, इधर देख सकते हैं पूरा मार्केट। अभी हम चलते हैं आगे घूमते हैं और पूरा आप लोग यहाँ का बुलंद दरवाज़ा का टूर करवाते हैं, पीछे बुलंद दरवाज़ा है। और तब तक के लिए इसको इस ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से बढ़िया एकदम ब्लॉग में, बढ़िया ब्लॉग, अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलने वाला है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं पूरा, तब तक के लिए इसको यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय।